हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हिस्टेक डेली फाइव मिनट्स में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एविडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिहार एपीओ के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज रिलेटिंग टू प्रम्पन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड है एटी वन ए, एटी फाइव सी एटी एट ए, एटी फाइव ए और ये दिया गया है एटी फाइव ए में फ्रेंड्स एटी फाइव याद रखिए पावर ऑफ अटॉर्नी साथ में एटी फाइव ए के साथ में बी और सी दोनों पूछे जाते हैं तो ये भी याद रखिए नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसीजर फॉर गेटिंग ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इज सेट फॉर्थ इन सेवनटी फाइव सेवेंटी सिक्स सेवनटी सेवन सेवेंटी एट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सेक्शन सेवेंटी सिक्स चारों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं चारों देख लें साथ में सेवेंटी फोर भी देख लें पूछा जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू कैन बी प्रूव्ड बाय ए ओरल एविडेंस बी द राइटर ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी सी सर्टिफाइड कॉपी डी एनी ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूव किए जा सकते हैं सर्टिफाइड कॉपीज के द्वारा फ्रेंड्स ये कौन से सेक्शन में आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूछा जाता है सेक्शन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इलेक्टोरल रोल पुलिस डायरी एफ आई आर अंडर सेक्शन सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अभी हम बात कर चुके हैं सेक्शन सेवेंटी फोर में है पब्लिक डॉक्यूमेंट सेवेंटी फाइव में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अरेस्ट वारंट चार्जशीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट ए रजिस्टर्ड सील डीड फ्रेंड्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो करेक्ट आंसर इज सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा चुका है पहले भी नेक्स्ट देखते हैं विच इज इट नॉट नेरी टू कॉल द सर्टिफाइंग राइटर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू प्रूव द डॉक्यूमेंट वेन द डॉक्यूमेंट इज नॉट ए वेल वेन द डॉक्यूमेंट इज थर्टी ईयर्स ओल्ड सी ए एंड बी आर करेक्ट ए एंड बी आर रॉन्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों सही हैं नेक्स्ट देखते हैं फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड विल इट इज नेरी टू कॉल एट लीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस एटलीस्ट टू अटेस्टिंग विटनेसेज द रजिस्ट्रार नन ऑफ दब्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवनटी टू स्पेशल प्रोविजन इज मैं रिगार्डिंग एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन सिक्सटी फाइव ए करेक्ट आंसर इज सी कब एड किया गया था सिक्सटी फाइव ए आई टी एक्ट टू थाउजेंड के द्वारा ये भी याद रखिए और एडमिशबिलिटी दी गई है सिक्सटी फाइव बी में तो आपको दोनों सेक्शंस याद रखने है, important sections है. हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं नेक्स्ट देखते हैं एडमिसबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रस्क्राइब अंडर सेक्शन 65a, 65b, 65, 66. अभी हम बात कर चुके हैं सेक्शन 65b. करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडर विच द सेकेंडरी एविडेंस इज 65 66 सबसे पहले तो चारों सेक्शंस देख लें इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स साथ में आप 62 में प्राइमरी एविडेंस है और 63 में सेकेंडरी है ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी एविडेंस सर्टिफाइड कॉपीज वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपीज कंपेयर विद द ओरिजिनल ए सी और डी तीनों दिए गए हैं सेक्शन सिक्सटी थ्री में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इतना फ्रेंड्स सब भी रिवीजन करते रहिएगा जितना भी बिहार ए की वीडियोस हैं एक बार आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसकी पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है Thank you guys. Bye bye. Share with all.